हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिग्राज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म, इस टॉपिक को डील करने वाले हैं। अब देखिए, आपने चैप्टर पूरा पढ़ा, अभी तक आपने पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, मीनिंग, फंक्शन, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी, ये सारी चीजें पढ़ी। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने चैलेंजेस को समझा कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है दे आर फेसिंग सम चैलेंजेस, चैलेंजेस भी हो गए। अब समस्या है, फोकस किया जाए समाधान पे, ठीक है। तो परेशानी है, देयर आर मल्टीपल चैलेंजेस, चार चैलेंजेस को आपने डिस्कस किया, तो उन चैलेंजेस से ऊपर कैसे आया जा सकता है वो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ये जो वीडियो है ना आपका, ये जो टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर मल्टीपल सेट ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे। कैसे मल्टीपल सेट ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे, देखो यहाँ पे, तो मल्टीपल सेट ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं, तो उन मल्टीपल सेट ऑफ क्वेश्चंस में आप इस चीज को विशेष ध्यान रखना। किस चीज को विशेष ध्यान रखना कि देखो हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड, सिंपल पूछ लिया, बहुत अच्छी किस्मत है, तो सिंपल क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाएगा कि हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म। लेकिन अब इसको थोड़ा और ट्विस्ट एंड टर्न कैसे कर सकते हैं कि देयर आर सम स्टेप्स टेकन टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ स्टेप्स ली जा चुकी है। तो क्या स्टेप्स ली गई है वो एक अलग चीज हो जाती है कि क्या स्टेप्स ली गई है वो बताओ, ठीक है। क्या सजेशन दिए गए, ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा कि वॉट आर दी सजेशन गिवन टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। अब एक क्वेश्चन इसमें ऐसा भी बन जाएगा जो लास्ट में एकदम टॉपिक आपको, मतलब इस टॉपिक के लास्ट पार्ट में आपको जहां से डील करना है कि डिस्पाइट दी स्टेप्स टेकन एंड दी सजेशंस गिवन टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, पब्लिक पार्टिसिपेशन कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिफॉर्मिंग पॉलिटिकल पार्टीज, एक्सप्लेन हाउ। तो वो जो जितने भी अलग अलग डायमेंशन है ना, वो सारे डायमेंशन कवर करने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में। समझ में आई मेरी बात? अब देखो क्या यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको अभी ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखना है कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना आपको याद से। क्यों याद से ज्वाइन करना टेलीग्राम चैनल? क्योंकि आपको यहां पे सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी, नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, ये सारा सब कुछ मिलता रहेगा। और साथ ही साथ आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, तो जिसमें स्पेशल क्लासेस होती है, बहुत सारे एक्साइटिंग फीचर्स होते हैं, जैसे क्विज होता है, स्कॉलरशिप एग्जाम्स होते हैं, ताकि आप ये सारे फीचर्स को क्या कर सके, अच्छी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर सके, सिर्फ DIGRAJ इस पासपोर्ट की मदद से, ठीक है। चलो, तो अब अगर हम आगे बढ़े, तो यहां पे हमें दिख रहा है कि चैलेंजेस क्या है, रिफॉर्म इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम सच चैलेंजेस। चैलेंजेस क्या है आपने पिछले वीडियो में देखा। अब जब समस्या है, तो ये वाली बात है कि समाधान पे फोकस किया जाए, तो रिफॉर्म तो जरूरी है, लेकिन रिफॉर्म आना और रिफॉर्म की इच्छा रखना दो अलग अलग चीजें हैं। मतलब यहां पे ऐसा है कि रिफॉर्म तब तक नहीं आएगा जब तक लोग यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज नहीं चाहेगी कि रिफॉर्म आए। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली डिसीजन कौन लेगा? लीडर्स, ठीक है, पॉलिटिशियंस, एंड पॉलिटिशियंस आर दी पार्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो सबसे पहली रिक्विजिट, प्री रिक्विजिट कंडीशन ही यही है कि इफ यू वांट टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, देन देयर शुड बी पीपल हु आर विलिंग टू ब्रिंग दोज रिफॉर्म, ठीक है। और ये लोग कौन होंगे? जनता नहीं, ये लोग जो पावर में है वो, ठीक है। जैसे बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, मान लीजिए क्या है कि आज कोई पावर में है, वो अपनी पावर क्यों छोड़ेगा, ठीक है। तो वो जो चैलेंजेस है, उन चैलेंजेस से अगर पॉलिटिकल पार्टीज मजबूत हो रही है, या फिर कह सकते हैं कि जैसे मनी इन मसल पावर से कोई क्या आता है, लीडर पावर में आता है, तो वो लीडर क्यों चाहेगा कि मनी इन मसल पावर को खत्म कर दिया जाए। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिबेटेबल इशू कि वी आर डिबेटिंग दैट रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड, लेकिन इज देयर अ सिचुएशन दैट पॉलिटिशियंस आर विलिंग फॉर द रिफॉर्म, ठीक है। दिस इज द एसेंस, समझ में आया? तो ये एक बड़ा चैलेंज है। अब वर्किंग ऑन दिस, ठीक है, सम ऑफ द रीसेंट एफर्ट्स एंड सजेशंस इन आवर कंट्री टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज एंड इट्स लीडर्स आर गिवन बिलो। इस चीज पे काम करते हो अगर आप देखोगे, तो कुछ सजेशंस वगैरह जो दिए गए हैं, कुछ स्टेप्स लिए गए हैं, वो यहाँ पे समझाए गए हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, ध्यान रखना कि एक एंगल जो बनेगा एग्जाम परस्पेक्टिव से, वो क्या बनेगा, सम व्हाट आर सम ऑफ द रीसेंट एफर्ट्स टेकन टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, क्या कदम ले लिया गया है, ठीक है। सजेशंस भी दिए गए, लेकिन क्या कदम ले लिया गया है, अगर ये पूछा है तो आपको ये वाले पॉइंट्स लिखना रहेंगे। पहला पॉइंट क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड MLAs एंड MPs फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज। मतलब एक एंटी डिफेक्शन लॉ जो है, तो एक एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। थोड़ा सा मैं आपको उसको, मतलब ये क्या है, एक ऐसी चीज है जो हमें पता होना चाहिए कि 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमने हमारा संविधान को बदला। क्यों बदला? क्योंकि पहले यह व्यवस्था थी कि मान लो मैं बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी से क्या है, चुनाव जीत के आया, ठीक है, और मुझे कल को ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने मुझे क्या ऑफर दिया, कांग्रेस ने मुझे ऑफर दिया कि हम आपको मिनिस्टर बना देंगे, तो मैंने बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर ली, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, यहां पर इस तरह से डिफेक्शन पहले बहुत होते थे, लोग पार्टी चेंज करते रहते थे। अब क्या होता था, पार्टी चेंज करते रहते थे, तो इससे क्या रहता था कि सरकारें, मतलब
बहुत सारे एमपीज या एमएलए उठ के इस पार्टी से दूसरी पार्टी में चले गए, तो उससे क्या हुआ? इससे अगर आप जैसे देखेंगे, इसका मतलब ऑब्जेक्टिव क्या हुआ कि एक स्टेबिलिटी जो चाहिए रहती ना गवर्नमेंट में, वो गायब हो जाएगी। तो स्टेबिलिटी गायब हो जाती थी, इस कारण से क्या है, इस प्रिवेंशन मतलब इस डिफेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। इस एंटी डिफेक्शन लॉ का एडवांटेज या फिर कह लीजिए एंटी डिफेक्शन लॉ का इंपैक्ट क्या हुआ कि नाउ द लॉ सेज दैट इफ एमएलए और एमपी चेंजेस द पार्टीज, ही और शी विल लूज द सीट इन द लेजिस्लेचर। अगर कोई एमपी या एमएलए पार्टी बदलता है तो वो क्या करेगा, लेजिस्लेचर में अपनी सीट खो देगा। इन द सेंस कि अब उसे क्या करना पड़ेगा, अब उसे वो मतलब पार्टी बदलने की आजादी, लेकिन अब उसे फिर से चुनाव लड़ना पड़ेगा, अब उसे फिर से मेहनत करना पड़ेगी। ठीक है, फिर से उसे क्या करना पड़ेगा, जनता का सपोर्ट गेन करना पड़ेगा। तो ये कहानी है, समझ में आया कि सबसे पहले समझो समस्या क्या है। चैलेंज ये था कि लोग पार्टीज बदल लेते थे, पॉलिटिकल लीडर्स जो थे वो पार्टीज बदल लेते थे। तो इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए क्या स्टेप, रीसेंट एफर्ट जो लिए गए, तो रीसेंट तो नहीं है, 1985 की बात है, लेकिन अगर आप देखोगे तो एक स्टेप क्या लिया गया कि एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया टू प्रिवेंट द डिफेक्शन। समझ में आया डिफेक्शन क्या है। ठीक है, अब इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई एमपी एमएलए पार्टी बदलता है तो बदल लो, लेकिन ही और शी विल लूज द सीट इन द लेजिस्लेचर, मतलब वो फिर एमपी और एमएलए नहीं रह जाएगा, वहां पे क्या होंगे, फिर से बाय इलेक्शन होंगे। ठीक है, 9th में पढ़ा था बाय इलेक्शन, ध्यान है, मतलब फिर से चुनाव होंगे। आपने देखा भी होगा न्यूज में बहुत सी बार आता है, तो फिर से जब चुनाव होंगे तो उस कैंडिडेट को अगर टिकट मिलती है दूसरी पार्टी से तो वो फिर से वहां से क्या कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है। आगे समझ में, तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ना, इसके पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। देखो क्या है, दिस न्यू लॉ हैज हेल्प टू ब्रिंग डिफेक्शन डाउन। नो डाउट, ये जो इस तरह से पार्टी बदली जाती थी तो डिफेक्शन को कम करने में इस लॉ ने मदद करी है। पॉजिटिव दिख रहा है कि हाँ, क्या था ये चैलेंज था एक तरह का, और इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए जो एफर्ट लिया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, और इसका एडवांटेज ये रहा कि इसने डिफेक्शन को कम कर दिया, बढ़िया। लेकिन इसका एक नेगेटिव मतलब एक डिसएडवांटेज भी, इसका एक नेगेटिव पार्ट भी है, वो क्या है, दिस हैज मेड एनी डिसेंट इवन मोर डिफिकल्ट। अब क्या हो रहा है कि एंटी डिफेक्शन लॉ जैसे लॉ आ गए ना, तो इसके चलते क्या है कि कोई भी अगर मान लो किसी को एक एमएलए या फिर कोई एक एमपी है, वो किसी एक पार्टी से जीत के आया है, लेकिन जीतने के बाद में उसे समझ में आता है कि यार इस पार्टी में ये चीजें खराब चल रही है, और वो पार्टी अगर बदलना चाहेगा ना तो वो अपना डिसेंट एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं एक्सप्रेस कर पाएगा, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ के चलते अगर वो पार्टी बदलने की कोशिश करेगा तो उसकी सीट चले जाएगी, ही और शी विल लूज द सीट इन द लेजिस्लेचर। आगे समझ में, तो इस तरह से क्या हो रहा है, इस तरह से अगर आप देखोगे तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है, एंटी डिफेक्शन लॉ क्या हो जाता है, एंटी डिफेक्शन लॉ एक पॉजिटिव साइड लेके आता है तो एक नेगेटिव साइड लेके भी आता है कि जो जेन्युइन कैंडिडेट्स थे, जो किसी परेशानी से जूझ रहे थे इस कारण उन्होंने पार्टी बदली है ना, तो उन लोगों के लिए क्या हो जाती है, उन लोगों के लिए स्पेस नहीं रह जाती एंटी डिफेक्शन लॉ में। तो मैंने आपको एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, क्यों लाया गया, एडवांटेज डिसएडवांटेज, किसी भी तरह से क्वेश्चन बनेगा तो आपको, क्वेश्चन आता है तो आपको बनेगा ना, ठीक है, वो सारी चीजें बता दी है। और ये एक एफर्ट है, ठीक है, हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म, व्हाट आर द रीसेंट स्टेप्स टेकन इन दिस डायरेक्शन, तो दिस इज वन ऑफ द स्टेप। ठीक है, ये एक चीज हुई। दूसरी चीज क्या है, नाउ इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट हु कंटेस्ट इलेक्शन टू फाइल एन एफिडेविट गिविंग डिटेल्स ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट हिम। मतलब क्या है कि अब ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि आप चुनाव लड़ने से पहले क्या एक एफिडेविट फाइल करोगे, ठीक है, एक एफिडेविट फाइल करोगे इलेक्शन कमीशन के पास, जिसमें आप बताओगे कि अगर आपके अगेंस्ट में कोई पेंडिंग क्रिमिनल केसेस है, आपके पास कितना पैसा है। ठीक है, अब ये चुनाव और एक और चीज बताओ, चुनाव लड़ने के पहले भी और चुनाव हारने के बाद भी, मतलब जैसे आपका टर्म पीरियड पूरा हो रहा है ना 5 साल का, उसके बाद भी आपको एफिडेविट फाइल कर रहा था, तो इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि इंसान ने कितनी प्रोग्रेस करी है, मतलब क्या उसकी प्रॉपर्टी में बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आई है, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहां से आ गई, इतनी सैलरी तो देते नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, इस तरह से आप देखेंगे तो एक स्टेप ये लिया गया है कि अब ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि हर कैंडिडेट को अब क्या करना पड़ेगा, जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है तो अपना एक एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा जिसमें वो अपनी डिटेल्स देगा प्रॉपर्टी की, क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है या नहीं है, ये सारी चीजें। समझ में आया यारा पॉइंट क्या है, इससे क्या रहेगा, इससे मनी एंड मसल पावर वाला जो इस्तेमाल हो रहा था ना उस पर चेक रहेगा। इसका एडवांटेज ये है कि द न्यू सिस्टम हैज मेड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू द पब्लिक। ठीक है, इस नए सिस्टम ने, इस नए स्टेप ने क्या कर दिया है कि आम जनता के दायरे में बहुत सारी जानकारी पटकती है सामने। ठीक है, तो आम जनता ये तो देख सकती है कि यार हम इसे वोट दे या ना दे, ये इंसान ने एफिडेविट फाइल किया, बता रहे इसके पास इतनी प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट में क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स व्हिच हैव हेल्प टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन इसमें क्या है, बट देर इज नो सिस्टम ऑफ चेक इफ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कैंडिडेट इज ट्रू और नॉट। मतलब स्थिति कुछ ऐसी है कि एफिडेविट तो फाइल करना है, लेकिन वो एफिडेविट में अगर झूठ भी लिख दिया तो भी कोई पकड़ नहीं पा रहा है उसको। ठीक है, तो अधिकतर क्या होता है कि प्रॉपर्टी और क्रिमिनल केसेस को छुपा लिया जाता है। चलो क्रिमिनल केसेस को तो नहीं छुपा पाओगे, लेकिन प्रॉपर्टी
को छुपा लिया जाता है, तो वही वाली स्थिति आ जाती है कि देयर इज नो सिस्टम ऑफ चेक इफ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कैंडिडेट इज ट्रू और नॉट। ठीक है, ये दूसरा स्टेप था। तीसरा स्टेप जैसे देखोगे जो लिया गया है पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म के लिए, ठीक है, वो क्या है, द इलेक्शन कमीशन पास्ड एन ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स। समझ में आया कि अब क्या है, अब इलेक्शन कमीशन ने मैंडेटरी कर दिया कि भैया अपना अंदर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन कंडक्ट करवाना है तुम्हें, ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन के साथ साथ में क्या करना होगा, तुम्हें इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करना होगी। तो इससे क्या रहेगा, इससे वो इसका एडवांटेज ये है कि आम जनता को, गवर्नमेंट को पता रहेगा। जो हमने देखो, अब कनेक्ट करो, क्या है कि हमने देखा ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन नहीं हो रहे थे, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी वॉज अ चैलेंज, ठीक है, एक चैलेंज था। तो अब उस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए इस तरह से स्टेप लिया गया कि इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया, क्या बोल दिया इलेक्शन कमीशन ने, कि अब ये नेसेसरी भैया कि आपको क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करवाने ही पड़ेंगे, ठीक है, साथ ही साथ आपको इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करना ही पड़ेगी। क्या हो रहा है इसका एडवांटेज कि पब्लिक डोमेन में गवर्नमेंट के पास में, या फिर कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास में, सुप्रीम कोर्ट के पास में इंफॉर्मेशन रहेगी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, ठीक है, वो जो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी का चैलेंज था उसे ओवरकम किया जा सकता है। लेकिन द पार्टीज हैव स्टार्टेड डूइंग सो बट समटाइम इट इज मेयर फॉर्मेलिटी। अगेन यहां पे भी वही वाली बात आ गई क्या कि पार्टीज कर तो रही है चीजें लेकिन सिर्फ फॉर्मेलिटी की तरह कर रही है, मतलब कि ऑर्डर ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड इट्स इंप्लीमेंटेशन की स्थिति कुछ ऐसी है कि पार्टीज ने इलेक्शन आईटीआर फाइल कर दिया और आईटीआर में इनकम ही छुपा लिए, तो मतलब उसका होना ना होना एक जैसी स्थिति, समझ पा रहे हो ना इस एग्जांपल से। तो वो वाली चीज आपको यहां देखने को मिलेगी। इट इज नॉट क्लियर इफ दिस स्टेप हैज लेड टू ग्रेटर इंटरनल डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टीज और नॉट। तो आप ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन करवा लोगे तो पेपर पे हो जाता है, लेकिन ऑन ग्राउंड उसकी कितनी, मतलब कह सकते कितना एडवांटेज रहा नहीं रहा, वो एक डिबेटेबल इशू है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपके तीन पॉइंट जो मैंने आपको बताया। तो क्वेश्चन अच्छे समझना, हाउ कैन पॉलिटिकल पार्टीज भी रिफॉर्म, सिंपल पूछा जाएगा ना, तो तीन वो और ये यहाँ के दो तीन लिख के इस तरह से आप एक बड़ा पांच नंबर का आंसर बना सकते हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिक नैरो डाउन करके पूछते हैं कि क्या स्टेप्स लिया जा चुका है, तो आप बताएंगे एंटी डिफेक्शन लॉ आ गया है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से अब क्या है, एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा इलेक्शन कंटेस्ट करने से पहले और कंटेस्ट करने के बाद भी कैंडिडेट को, जिसमें अपनी प्रॉपर्टी, अपने क्रिमिनल केसेस वगैरह पेंडिंग जो है वो सारी चीजें बताएगा दो। और तीसरा क्या है, इलेक्शन कमीशन ने अब ये मैंडेटरी कर दिया कि ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस हो और साथ ही साथ क्या हो, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जाए पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा कि कितना पैसा उन्हें मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये तीन स्टेप्स लिए जा चुके हैं। अब इन तीनों स्टेप्स के पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, वो भी मैंने आपको समझा दिए, बनेंगे ना, ठीक है। अब अगर आप आगे बढ़ते हो तो अब क्या है कि बिसाइड्स दीज मेनी सजेशंस आर ऑफन मेड टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, इसके अलावा क्या बहुत सारे सजेशंस भी दिए गए कि ऐसा किया जा सकता है जिससे पॉलिटिकल पार्टीज में रिफॉर्म आ जाए। तो क्या सजेशन दिए गए हैं कि उन्होंने बोल दिया एक लॉ, ठीक है, अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। उन्होंने बोला कि जब पॉलिटिकल पार्टीज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी के चैलेंज से जूझ रही है तो एक लॉ बनाओ, उस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, इंटरनल अफेयर को गवर्नमेंट मैनेज करे, ठीक है, जिसमें क्या हो, इट शुड बी मेड कंपलसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू मेंटेन रजिस्टर ऑफ इट्स मेंबर, ठीक है, एक लॉ बनाओ जिसमें यह पता रहे कि कौन कौन मेंबर है, कोई भी कहीं से भी उठ के मेंबर आ जाते हैं, टिकट मिल जाती है और चुनाव में लड़ने लगते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो, एक प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन हो, ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशन हो किसका, पॉलिटिकल पार्टीज अपना खुद रूल्स एंड रेगुलेशन से चले, ठीक है, तो उन्हें रेगुलेट करने के लिए, उन्हें रिफॉर्म करने के लिए उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हो, ऐसा ये सब कुछ किया जाना चाहिए, ये सजेशन है, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हो जो पॉलिटिकल पार्टीज को मैनेज करे, ठीक, टू एक्ट एज अ जज इन केस ऑफ पार्टी डिस्प्यूट्स, टू होल्ड ओपन इलेक्शंस टू द हाईएस्ट पोस्ट, ठीक है। अब जैसे पार्टी के अंदर, अब मान लो पार्टी जीत रही नहीं जीत रही वो अलग चीज है, लेकिन पार्टी का अपना एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, पार्टी के आपने देखा होगा ना, छुट भैया से लगा के बड़े लीडर तक सबको क्या है, अलग अलग पोस्ट दे दी जाती है कि ये युवा मोर्चा नेता है तो ये पार्टी के अध्यक्ष है तो ये वो है ये फलाना ढिमका, ठीक है। तो उस तरह से क्या है, उस तरह से एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनाई जाए जो सारी इन पार्टी डिस्प्यूट्स को, ठीक है, जो हाईएस्ट पोस्ट हैं पार्टी की उसके लिए इलेक्शन वगैरह इन सारी चीजों पर ध्यान रखे, ठीक है। तो What are the suggestions given to reform political parties? तो एक सजेशन ये है कि एक लॉ बनाया जाए जिससे इंटरनल अफेयर पॉलिटिकल पार्टीज के क्या कर लिया जाए, मैनेज कर लिया जाए, रेगुलेट कर लिया जाए। इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव अ मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स अबाउट 1/3 टू वुमेन कैंडिडेट्स, ठीक है। अब क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए मैंडेटरी कर दिया जाए कि वो 1/3 टिकट जो है वुमेन को दे, तो इससे वुमेन एम्पावरमेंट भी हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज और रिप्रेजेंटेटिव होगी। तो एक सजेशन ये दे दिया गया, ठीक है, एक सजेशन ये दे दिया। उसके साथ साथ में देखोगे कि देयर शुड बी अ कोटा फॉर वुमेन इन डिसीजन मेकिंग बॉडीज ऑफ द पार्टी।
आप टिकट 1/3 दे रहे हो, उसी के साथ साथ में क्या हो रहा है कि जो टॉप पार्टी लीडरशिप है या फिर डिसीजन मेकिंग हो रहा है पार्टी के अंदर, उसमें भी आपको क्या, आप क्या दें, आप विमेन को स्पेस दे, पोजीशन दे, ठीक है। देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, और इलेक्शंस की क्या होना चाहिए, स्टेट फंडिंग होना चाहिए। इस चीज पे भी फोकस किया गया कि इलेक्शंस जो है, इलेक्शंस में पैसा पानी की तरह बहा दिया जाता है, तो पैसा अननेसेसरी ना बहे, उसकी जगह क्या हो कि गवर्नमेंट पैसा दे कि भैया तुम्हारा पेट्रोल, पेपर, ठीक है, और प्रचार प्रसार जो भी खर्चा है ना, तो हम दे रहे हैं पैसे, इतने में तुम कर लो अपना, शॉर्ट एंड स्वीट में काम निपटा लो, ज्यादा पैसे पानी की तरह बहाने की जरूरत नहीं है। इलेक्शंस में ऑन रिकॉर्ड तो जो आता है वो बहुत कम आता है कि हाँ इतना खर्च हुआ बस, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे यहां अगर आप देखोगे ना, तो इलेक्शंस में करोड़ों रुपए पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा बहा दिए जाते हैं। गवर्नमेंट जो लगा रही इलेक्शन में पैसा, वो तो अलग चीज है, ठीक है। देखो, गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज, मैंने बताया ना, दो अलग अलग चीज है। पॉलिटिकल पार्टीज ड्राइवर की तरह है, गवर्नमेंट पूरी की पूरी बस है। तो वो बस जो है, तो बस क्या कर रही है, अपने ड्राइवर का पेट तो पाली देती है, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज के लिए क्या है, खर्चा करती है, लेकिन वो ड्राइवर भी इतना पैसा लेके आता है, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज में इतना पैसा है जो रिकॉर्ड में नहीं है। तो क्या होना चाहिए कि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन होना चाहिए। ये एक सजेशन है कि सरकार फिक्स पैसा दे दे कि हाँ ये पार्टी को इतना, देखो सरकारें देती है पैसा, लेकिन क्या हो रहा है उसके अलावा इतना खर्च हो रहा है, इतना और आउटसाइड जैसे जो पार्टी फंडिंग आती है, पार्टी फंड आता है, तो उसमें इतना पैसा आता है कि कुछ भी किया जा सकता है उस पैसे से, ठीक है। इंसान उस पैसे से कुछ भी किया जा सकता है, इन द सेंस क्या है कि वही शॉर्टकट्स अपनाए जा सकते हैं जीतने के लिए, वोट्स खरीदे जा सकते हैं, ये सारा सब कुछ होता है। क्लियर हुआ? तो हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म, सो दीज आर सम ऑफ द सजेशंस, ठीक है, टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। अब देखो क्या है, सजेशंस नॉट येट बीन एक्सेप्टेड बाय द पॉलिटिकल पार्टी। यहां पे क्या तात्पर्य है, यहां पे तात्पर्य सीधा सा ये है कि अच्छी अच्छी बातें बोली बहुत कि हाँ इससे पॉलिटिकल पार्टीज में रिफॉर्म आ जाएगा, लेकिन ये सारे सजेशंस अभी पेपर पे ही है, पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किए गए हैं, और ये एक्सेप्ट किए जाना चाहिए, ठीक है, शुड बी एक्सेप्टेड। लेकिन अब यहां पे मैं आपको एक क्या दे रहा हूं, डिस्क्लेमर दे रहा हूं, मतलब ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल पार्टीज में चैलेंजेस तो मार पीट के सब उनको सुधार दो आप, ठीक है, बट वी मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट लीगल सॉल्यूशंस टू द पॉलिटिकल प्रॉब्लम। देखो, आपको चीजों का नेचर समझना होगा। पॉलिटिकल प्रॉब्लम मतलब क्या है कि ये जो प्रॉब्लम है ना, ये कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि एक लॉ ला के आप फिक्स कर दोगे। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी का मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन है। इनफैक्ट हम कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी इज रिलेटेड विद द पॉलिटिकल पार्टीज। वो पॉलिटिकल पार्टीज में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो माइंडसेट की प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि पॉलिटिकल लीडर्स बदलाव नहीं चाह रहे हैं, ठीक है, पॉलिटिकल लीडर्स बदलाव नहीं चाह रहे हैं, वो सेवा को बाद में रख रहे हैं, मेवा को पहले रख ले, मतलब उनका ऑब्जेक्टिव लोगों को सर्व करना नहीं होता, ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है, पैसा कमाना हो जाता है। तो यहां पे जैसे अगर आप देखेंगे ना कि पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स जो है उनको अगर आप लीगल सॉल्यूशंस के थ्रू खत्म करने की कोशिश करोगे, मतलब आप एक लॉ ले आए कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अगर इंटरनल डेमोक्रेसी, मतलब इंटरनल कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस वगैरह कंडक्ट नहीं करवा रही, जैसे एक सजेशन है, ठीक है, तो उस पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर दोगे, तो इससे क्या होगा, इससे काउंटर प्रोडक्टिव चीजें देखने को आएगी। मतलब ऐसा रहता है ना कि एक बच्चा नहीं पढ़ रहा है, मतलब कुछ फैमिलीज में क्या होता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट प्रेशर क्रिएट किया जाता है, प्रेशर क्रिएट जब किया जाता है, मतलब कर रहे हैं और एक समय पे आके वो सब कॉपी किताब फेंक देता है, ठीक है। तो उस तरह से क्या होता है, उस तरह से ओवर रेगुलेशन जो है ना, या फिर आप अगर एक्सेसिव लीगल सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करोगे, ठीक है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को, तो वो क्या हो सकते हैं, काउंटर प्रोडक्टिव हो सकते हैं। तो ओवर रेगुलेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव, ठीक है, दिस वुड फोर्स ऑल पार्टीज टू फाइंड वे टू चीट द लॉ, ठीक है। फिर दिखती चीज है, मान लो जैसे क्या हो रहा है कि हेलमेट पहनना, अच्छा एक एग्जांपल दे रहा हूं कि हेलमेट पहन के गाड़ी चलाना क्या है, ये लॉ बनाया। अब लेकिन क्या है कि आप आदमी घर से बाहर निकल रहा है तो पुलिस पीछे पीछे उसके गाड़ी पीछे चला रही है, हेलमेट क्यों नहीं लगाया तुमने, ठीक है, पुलिस हर जगह पकड़ ले रही है, हेलमेट क्यों नहीं लगाया आपने, आप क्या बोलते हैं, घर से दुकान तक गए उसमें पुलिस ने पकड़ लिया, हेलमेट क्यों नहीं लगाया। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें फिर आदमी दूसरे तरीके ढूंढने लगेगा। दूसरे तरीके मतलब क्या है कि वो फिर मतलब वही है ना कि आप तरीका, आप सोचोगे कि हेलमेट से बेहतर क्या मैं कार से जाऊंगा, ठीक है, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। तो उस तरह से क्या हो जाएगा कि ओवर रेगुलेशन अगर होगा किसी भी चीज का, तो दिस वुड फोर्स ऑल पार्टीज टू फाइंड वेज टू चीट द लॉ। तो आप लॉ अगर ले आएंगे, लीगल सॉल्यूशन बहुत ज्यादा लीगल सॉल्यूशन पे फोकस करोगे ना, तो बहुत ज्यादा लीगल सॉल्यूशन के चलते क्या होगा, वो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स जो है खत्म नहीं होगी, उल्टा तरीके ढूंढने लगेंगे कि कैसे चीट किया जाए लॉ को, ठीक है। तो समाधान क्या होगा सर, ठीक है, मतलब रिफॉर्म तो करना पड़ेगा ना पॉलिटिकल पार्टीज को, तो समाधान क्या होगा, तो यहां पे समाधान ये हो सकता है कि रेदर देन रिलाइंग मोर ऑन लीगल सॉल्यूशन, देयर शुड बी मॉरल सॉल्यूशंस, ठीक है। मॉरल सॉल्यूशंस मतलब क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है, तो पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिकल लीडर्स को इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, ठीक है, इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। ये तो पॉइंट्स अपार्ट बता रहा हूं मैं आपको, बुक से बाहर बता रहा हूं, इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। बिसाइड्स पॉलिटिकल पार्टीज विल नॉट एग्री टू पास द लॉ दैट दे विल नॉट लाइक, ठीक है। तब दिखती बात है कि कोई पावर में बैठा है और आप ऐसे ही लॉ लाने की कोशिश करोगे जिससे उसी की पावर कम हो जाए,
तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करेगी, इस तरह के लॉज को अपोज करेगी, ठीक है, इस तरह के लॉज को अपोज करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सेंसिटिव होना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आपको अगला पार्ट जो बता रहा हूँ उससे पहले एक बार टॉपिक समेटवा देता हूँ, क्योंकि टॉपिक बहुत अच्छा है, अलग अलग तरह से क्वेश्चन बनेंगे। क्या स्टेप्स लिए गए हैं, तो एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, एफिडेविट फाइल करना, ITR फाइल करना, ये सारी चीजें वो स्टेप्स लिए गए हैं। सजेशंस क्या दिए गए, वुमेन के लिए 1/3 सीट्स रिजर्व कर दी जाए, इंटरनल डेमोक्रेसी के लिए क्या पार्टी अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन रखे, एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी रखे, वो सारी चीजें, ठीक है, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन हो, क्लियर हो रहा है। तो ये सजेशन दिए गए हैं। अब जो सजेशन दिए गए अभी तक वो एक्सेप्ट नहीं किए गए, यहाँ पे हमें कॉशियस अप्रोच रखना पड़ेगी कि चीजें जो हो वो ओवर रेगुलेशन के फॉर्म में ना दिखे, ताकि काउंटर प्रोडक्टिव ना हो, ठीक है। मोर फोकस शुड बी ऑन दी मॉरल ट्रांसफॉर्मेशन रेदर देन लीगल ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये जो सजेशन दिए गए, जो स्टेप्स लिए गए, इन सारी चीजों से ऊपर जाके, ठीक है, पब्लिक पार्टिसिपेशन जो है ना, या फिर व्हाट रोल कैन पीपल प्ले इन रिफॉर्मिंग दी पॉलिटिकल पार्टीज, इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है ट्विस्ट होके, ठीक है, व्हाट रोल कैन पीपल प्ले इन रिफॉर्मिंग दी पॉलिटिकल पार्टीज, तो यहां पे ये वाला पार्ट आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। देर आर टू अदर वेज इन विच पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी रिफॉर्म, ठीक है, तो दो और तरीके जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म किया जा सकता है, वो दो तरीके क्या है, पहला है पब्लिक प्रेशर और दूसरा है पब्लिक पार्टिसिपेशन। मतलब यहाँ पे दोनों में ही क्या कॉमन आ गया, पब्लिक कॉमन आ गया, मतलब आम जनता एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है जब हम पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज थ्रू पेटिशंस, पब्लिसिटी एंड एजिटेशंस। मतलब आम जनता क्या है, आम जनता को लग रहा है कि यार ये पॉलिटिकल पार्टी बदमाश है, ठीक है, तो आम जनता क्या कर सकती है, आम जनता उस पॉलिटिकल पार्टी को क्या कर सकती है, अपोज कर सकती है, पेटिशंस डाल सकती है, ठीक है, एक तरह से क्या कर सकती है, आप जिसे देखेंगे तो प्रोटेस्ट जो है, एजिटेशन शो कर सकती है कि यार इस पॉलिटिकल पार्टी में ये कमी है, इस पॉलिटिकल पार्टी ने ये गलत किया। तो आम जनता जब सक्रिय होगी ना, इस चीज को समझना, जब पब्लिक प्रेशर क्रिएट करेगी तो उसका इंपैक्ट ये होगा कि पॉलिटिकल पार्टी विल फील दैट दे वुड नॉट बी, इफ दे वुड लूज द पब्लिक सपोर्ट, दे वुड नॉट बी एंड नॉट टेकिंग अप द रिफॉर्म्स, दे वुड बिकम वेरी मोर सीरियस अबाउट देयर रिफॉर्म्स, ठीक है। मतलब कुल मिला के ये पॉइंट ऐसा है, पढ़ने में गड़बड़ कर दी, कि अगर जब पब्लिक प्रेशर होगा, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, तो उस पब्लिक प्रेशर के चलते पॉलिटिकल पार्टीज इस स्थिति में आ जाएंगी कि अगर जनता जो चाह रही है, जनता जो रिफॉर्म चाह रही है, अगर वो रिफॉर्म नहीं लाएंगे तो हम क्या कर जाएंगे, लूज आउट कर जाएंगे चीजों को, ठीक है। तो इफ पॉलिटिकल पार्टीज फील दैट दे वुड लूज पब्लिक सपोर्ट बाय नॉट टेकिंग अप रिफॉर्म्स, दे वुड बिकम मोर सीरियस अबाउट द रिफॉर्म्स। तो पॉलिटिकल पार्टी सोचेगी कि यार हम जो पूरा ये स्वांग रच रहे हैं, स्वांग समझते हैं ना, मतलब पूरा ड्रामा जो क्रिएट कर रहे हैं, अल्टीमेटली कर ही इसीलिए रहे हैं कि हमें जनता का सपोर्ट मिले, लेकिन अगर जनता का सपोर्ट ही नहीं मिलेगा, जनता ही क्या करेगी, एजिटेशन, पिटिशंस और प्रेशर्स के थ्रू पॉलिटिकल पार्टी को रिफॉर्म के लिए मजबूर करेगी, तो फिर पॉलिटिकल पार्टी सोचेगी कि हाँ रिफॉर्म लाओ, वो जरूरी है, ठीक है, रिफॉर्म इज द नीड ऑफ द आवर, तो ऐसी सिचुएशन हो जाएगी। तो पब्लिक किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, एक तो प्रेशर बनाकर, दूसरा पार्टिसिपेशन, ये वाला पॉइंट भी अच्छे से समझना, क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज कैन इंप्रूव इफ Those who want this join political parties, मतलब जो लोग चाह रहे हैं, जैसे आप और हम बैठे हैं घर में, ठीक है, मटर छील रहे हैं और टीवी देखते जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि यार ये नेता गलत है, ये पार्टी गलत है, आपके और मेरे मटर छीलते छीलते बोलने से कुछ नहीं होगा, अगर हम रिफॉर्म चाह रहे हैं तो हमें खुद मैदान में उतरना पड़ेगा, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज कैन इंप्रूव इफ दोज हु वॉन्ट दिस ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, जो लोग ये चाहते हैं वो खुद अगर पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन कर लेंगे तब रिफॉर्म आएगा सही मायने में। इट इज डिफिकल्ट टू रिफॉर्म पॉलिटिक्स If ordinary citizens do not take part in it and simply criticize it from outside, ठीक है, तो क्या होगा कि अगर लोग बाहर से बैठे बैठे outside जज करते रहेंगे, यार ऐसा नहीं होना था, ऐसा कर लेते, जैसे नहीं होता है कि टीवी में मैच देख रहे हैं, शॉट किसी ने गलत लगाया है तो वहां से ज्ञान दे रहे हैं, क्या कि नहीं नहीं ये शॉट गलत खेला, तो उससे कुछ नहीं होगा, until and unless we ourselves are entering into the political system and working for its reform, ठीक है। तो it is very much similar to this, क्या it is very much similar to this, याला आपने ad देखा है कि कीचड़ साफ करना है तो दूर खड़े होकर ऐसे बोलने से नहीं होगा कीचड़ साफ हो जाओ, आपको उतरना पड़ेगा, आपको साफ करना पड़ेगा, ad देखा है, and this video is not sponsored by Nirma, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या होगा कि जब तक हम अगर कीचड़ साफ करने की बात करेंगे तो जब तक हम खुद कीचड़ में नहीं उतरेंगे तब तक कीचड़ साफ नहीं होगा, ठीक। The problem of bad politics can be solved by more and better politics, this is the most wonderful line in the chapter, कि you are saying that there is bad politics, ठीक है, तो bad politics की problem है ना वो कब खत्म होगी, जब आप more और better politics पे focus करेंगे, and this can be ensured with the help of more and more public participation, ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करें, participate करें, ठीक है। ये कहानी समझ में आई, how can parties be reformed, so these are some of the ways through which political parties can be reformed, ठीक। तो अब इसी के साथ हमारा chapter जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। आई होप यू एंजॉयड दी चैप्टर, हमने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको क्वेश्चंस भी बता दिए हैं।
कैसा लगा यह चैप्टर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैप्टर हमारे यहाँ पे खत्म होता है, नेक्स्ट वीडियो से एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें आपको क्लियर हो गई है, और भी किसी प्रकार के अगर डाउट्स वगैरह रह जाते हैं तो देर आर मेनी सेशंस मोर टू कम, ठीक है, डाउट सॉल्विंग सेशंस वगैरह, तो जिसमें हम सारी चीजें और कवर कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, ठीक है। चलिए तो अभी खत्म करते हैं, साइन ऑफ करते हैं, टुगेदर वी कैन वी विल, थैंक यू।